हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, यूपी बीएड जेई 2020 पोस्टपोन होगा या नहीं। इसके लिए अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है, तो अभी अभी ये नोटिस आई है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यूपी बीएड के बारे में आपकी जो क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या ट्विटर पर कैंपेन चलाएं। जो लोग या पेपर देना चाहते वो भी बताएं, जो लोग नहीं देना चाहते उसके बारे में बताएं, क्योंकि कुछ कैंडिडेटों का जो है एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही दूर दे दिया गया है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान है। कोरोना महामारी के चलते अपने स्वास्थ्य को देखते हुए लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, घर वाले भी काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि पेपर बेटा छोड़ दो। इस तरीके की परिस्थितियां बनती, गंभीर समस्याएं आ रही हैं कैंडिडेट के सामने। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरा चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, ये रही आज की नोटिस, चलिए देखते हैं बिना किसी समय गवाए के। वीडियो को आप प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जो भी सुझाव आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के ये साइट पे, और यहाँ से देखते हैं कहाँ पे नोटिस आई हुई है। ये देखिए, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है वाइस चांसलर हैं यहाँ के, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी हैं, चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के प्रोफेसर आलोक कुमार राय वाइस चांसलर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ से आप लोग इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और ये देखिए नोटिस जो है डायरेक्ट ये आ रही है। यहाँ से मैं आपको बीएड की भी नोटिस दिखा रहा हूँ, जो ये देखिए आई हुई है, तो इसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये नोटिस हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, अब इसको शुरू से रीड करते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपका प्यार ही हमको वीडियो बनाने को मोटिवेट करता है। तो चलिए देख लेते हैं। आगामी 9 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 के सभी अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा के सुरक्षित एवं सुचारू संचालन की सभी व्यवस्थाएं सम्यक रूप से कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को कोई भी असुविधा न हो, इस हेतु प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की सुरक्षा हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वर्तमान में कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकॉल एवं निर्देशों का पूर्ण पालन कराया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को अनावश्यक यात्रा करने से बचाने के लिए अभ्यर्थियों को उनके पसंद के परीक्षा केंद्र के निकटतम जनपद को दोबारा चयनित करने की ऑनलाइन सुविधा दी गई थी। प्रत्येक महिला अभ्यर्थी एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए उनके द्वारा परीक्षा केंद्र के विकल्प के रूप में चयनित जनपदों में से प्रथम विकल्प के जनपद में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। यथासंभव अधिकतर परीक्षार्थी को उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के जनपद प्रयागराज आदि कुछ जनपदों को छोड़कर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। तो जो कैंडिडेट प्रयागराज से हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत सहनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों के जनपदों को छोड़ के ही जो केंद्र बनाया गया है। प्रत्येक परीक्षार्थी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कक्षों तथा फर्नीचर इत्यादि को सैनिटाइज कराने की पर्याप्त व्यवस्था, प्रत्येक परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षा से संबंधित हर व्यक्ति का इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा शारीरिक तापमान मापने के साथ ही मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्थाएँ जो हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा कराई गई हैं परीक्षा केंद्रों पर। अभ्यर्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर, हैंड वॉश आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए इस कार्य हेतु समर्पित एक विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी ही, जो इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे। अभ्यर्थियों को उंगलियों के चिन्ह लेने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग अलग डिस्पोजेबल स्ट्रिप की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को दूसरे की स्पर्श की गई स्ट्रिप न छूनी पड़े। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात, टेम्पू, टैक्सी, ओला, उबर, प्राइवेट व सरकारी बसें इत्यादि दिनांक 8-9 अगस्त 2020 को सुचारू रूप से चलती रहेंगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की समुचित अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 में सम्मिलित हो। आयोजक विश्वविद्यालय उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु पूर्णतः जागरूक है तथा सभी वांछित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। समस्त परीक्षाओं उनके उज्ज्वल भविष्य की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, कुलपति चेयरमैन संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020। तो गाइस देखिए, एग्ज़ाम होके रहेगा किसी भी हाल में, तो अब आपको भी देना ही पड़ेगा। तो आप भी अपनी कमर कस लीजिए और फालतू के अफवाहों में ना पड़िए,
और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से अच्छा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम 9 अगस्त को होगा ही होगा। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरह से नोटिस आई हुई है, आपको मैंने पूरी पढ़ के सुना भी दी। तो गाइज अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।